ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नमस्कार, यह है एबीपी न्यूज, आप सुन रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरें मेरे यानी श्वेता शर्मा के साथ। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे सकती है। नित्यानंद राय ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने अघोषित संपत्ति अर्जित की है तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। अगर समर्थन की जरूरत पड़ती है तो हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। आईएस से मौसूल की आजादी के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इराक के इरबिल जा सकते हैं। दरअसल इराक में भारत के 39 नागरिक लंबे वक्त से लापता हैं। सभी 39 भारतीय पंजाब के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। आईआईटी एडमिशन पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली। इससे दाखिला पा चुके लगभग 33,000 छात्रों को बड़ी राहत मिली है। परीक्षा में बोनस नंबर देने में गड़बड़ी की शिकायत पर ये रोक खुद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आज लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी का नाम संदीप कुमार शर्मा है। यह आतंकी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। काफी समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए इंटरव्यू खत्म हो गया। क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरभ गांगुली ने कहा कि टीम इंडिया के नए कोच को चुनने में अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी इस पर फैसला लेने के लिए बातचीत करने का वक्त चाहिए। सौरभ ने बताया कि कोच का चुनाव किसी एक सीरीज को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि साल 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर किया जाएगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।